सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाओमी पहले अपने नोट सीरीज में प्रो वेरिएंट को लॉन्च करता है, फिर उसके बाद उसके छोटे भाई यानी कि सिंगल वेरिएंट को लॉन्च करता है। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि शाओमी ने रेडमी नोट 9 प्रो को लॉन्च कर दिया है, जो कि हमें काफ़ी बड़े लुक के साथ देखने को मिला है। और अब हम सबको इंतज़ार है इसके छोटे भाई यानी कि रेडमी नोट 9 का। और ये फ़ोन आपको डिज़ाइन लुक वगैरह में बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। और इस फ़ोन को हाथ में लेने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कोई कम प्राइसिंग वाला स्मार्टफोन हाथ में ले रखा है, क्योंकि इस फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रेडमी नोट 9 आपको 10,000 के बजट में ही मिलने वाला है, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन के साथ साथ बहुत ही बढ़िया स्पेक के साथ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं रेडमी नोट 9 के फुल स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस एक IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है। जी हाँ गाइज, इस बार भी आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा, जो कि गोरिल्ला 5 के प्रोडक्शन के साथ आएगा। तो डिस्प्ले आपका बहुत ही मजबूत रहने वाला है। और साथ ही में इस फोन में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि आपको साइड में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको Redmi Note 9 Pro में देखने को मिला था बीच में, लेकिन इस फोन में आपको साइड में देखने को मिलने वाला है। और बैक में वही आपको ग्लास का बैक देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंट जो देखने को मिलेगा वो मिलने वाला है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का। और वहीं पर बात करें इस फोन के कैमरास के बारे में, तो इस फोन के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वार्टर कैमरा मिलेगा और सेल्फी में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस फोन के रैम वेरिएंट के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको 3 रैम वेरिएंट मिलने वाले हैं। पहला होगा 3GB रैम 32GB स्टोरेज, दूसरा होगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज और तीसरा होगा 6GB रैम 128GB स्टोरेज। और साथ ही में इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, यानी कि आप 2 सिम और एक SD कार्ड का यूज कर सकते हैं इस फोन के अंदर। वहीं पे दोस्तों बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको लीज के अकॉर्डिंग 4920 mAh का बैटरी मिलने वाला है, या 5000 mAh का भी मिल सकता है। उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि गाइस गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर आपको Realme Narzo 10 में भी मिलने वाला है। तो दोस्तों कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर। उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की। तो इस फोन की प्राइसिंग 10,000 के बजट में ही रहने वाली है। अब फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों, ये फोन आपको कब तक देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी लॉन्च डेट। तो दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन रिमूव हो जाएगा इंडिया में, वैसे ही ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यही था रेडमी नोट 9 के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।